हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशान LLB पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप किसी भी स्मार्टफोन को CCTV कैमरा कैसे बना सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ सकती है। मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन ख़राब पड़ा हुआ है या आपकी कोई शॉप है और आप CCTV इंस्टॉल नहीं कराना चाहते क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो क्या करेंगे कि आप या तो कोई 4000-5000 का एक स्मार्टफोन ख़रीदेंगे या आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन अगर पड़ा है तो आप उसी को CCTV बना सकते हैं। अब उसको CCTV कैसे बनाएंगे ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके दोस्तों, अपने स्मार्टफोन को CCTV बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है IP वेब कैम। जैसे कि आप मेरे यहाँ पर डेस्कटॉप पर देख सकते हो, ये उसका आइकन बना हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगा IP, उसके बाद वेब कैम। ओके, ये सबसे ऊपर आ गया है, आप देख लीजिए इसको। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम अपने स्मार्टफोन को CCTV कैमरा बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके आइकन को ध्यान से देख लीजिए। ओके, और ये 1 मिलियन, ये 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं इसके, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। 4.2 की रेटिंग है, जो बहुत अच्छी रेटिंग है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन का। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से अपने स्मार्टफोन को CCTV कैमरा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम अपने डेस्कटॉप पर जहाँ पर रखा हुआ है इस एप्लीकेशन का आइकन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का शो होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, किसी भी ऑप्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जैसे जो सॉफ्टवेयर यहाँ, जैसे जिस तरह से यहाँ पर सारी सेटिंग्स हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह से उसको रहने देना है। आपको क्या करना है कि सिर्फ सबसे नीचे जा करके यहाँ देखिए आप, स्टार्ट सर्वर का यहाँ पर ऑप्शन है, आप इस स्टार्ट सर्वर पर क्लिक करेंगे। और स्टार्ट सर्वर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे एक 400 KB की जो फाइल है उसको डाउनलोड करने के लिए पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपल यस करना है, उससे आपकी एक 400 KB की फाइल डाउनलोड होगी। और ये देखिए, ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, इस टाइम मेरा जो स्मार्टफोन है ये CCTV कैमरा बन चुका है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ओके, जैसे देखिए मैं अपने फ़ोन को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी यहाँ पर ये लाइव रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये मेरा पोर्ट रखा हुआ है, ये इसमें बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो हमारे फ़ोन पर CCTV कैमरा चालू हो चुका, लेकिन अब हम इसे पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठकर किसी दूसरे फ़ोन से या दूसरे कंप्यूटर से कैसे देखेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, हाउ डू आई कनेक्ट और एक है एक्शन। तो आपने क्या करना है, इस एक्शन पर जाना है। जैसे ही आप एक्शन पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है फोकस, उसके बाद स्टॉप, रन इन बैकग्राउंड, और जब नीचे हम जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पर देखिए शेयर IP और कॉपी IP टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से कॉपी IP टू क्लिपबोर्ड करना है या इसको शेयर करना है। अगर आप इसको शेयर IP करेंगे, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो IP है यही बस इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसके बाद नीचे सर्वर स्टार्ट में जा करके सिर्फ इस IP एड्रेस को लेना है। इस IP एड्रेस को आप जहां से भी दुनिया में कहीं से भी किसी स्मार्टफोन से या लैपटॉप से अगर आप ब्राउज़र में इसको डालेंगे तो वहीं से आप अपने फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं, अपने फ़ोन को एज ए CCTV कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, या तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर किसी के भेज सकते हैं, या आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, उसके बाद आप उसको लिख लेंगे। चलिए मैं यहाँ से कॉपी IP टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी IP टू क्लिपबोर्ड कर लिया है, ये सेंड IP का ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं इसको बैक करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट सर्वर पर, और स्टार्ट सर्वर पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली इस तरह से ये घूम जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जाना है एक्शन में, और एक्शन में जाने के बाद देखिए हमारे पास हमें यहाँ से अपना आईपी एड्रेस लेना है। तो शेयर आईपी का ऑप्शन है, एक तो शेयर आईपी से क्या होगा कि आप अपने आईपी एड्रेस को किसी भी व्हाट्सएप से या कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको शेयर नहीं करना है तो आप यहां से नीचे दूसरा ऑप्शन है कॉपी का, आप इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे और उसके बाद दोबारा से आप एक्शन पर जाएंगे और यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है रन इन बैकग्राउंड, रन इन बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। ओके, यहां पर ओके आई गेट इट और इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हम अपने एप्लीकेशन से बाहर आ गए हैं, लेकिन हमारा जो ये सीसीटीवी फ़ोन है, ये सीसीटीवी कैमरा बन चुका है और इस टाइम भी इसमें लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। उसको आप चेक कैसे करेंगे, आप किसी भी दूसरे स्मार्टफोन पर जाइए या कहीं भी लैपटॉप पर जाइए, किसी या कंप्यूटर पर, या मतलब किसी भी स्मार्टफोन कंप्यूटर लैपटॉप से आप अपना एक ब्राउज़र ओपन कीजिए। जैसे मैं इसमें ओपन करता हूँ ब्राउज़र क्रोम, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद या कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जा करके वहाँ पर उस आईपी एड्रेस को जो आपने वहाँ से कॉपी किया था बस पेस्ट कर देना है। ओके दोस्तों, पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ एंटर करना है, और एंटर करते ही आपके जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है, पूरा कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है उस फ़ोन का आपके पास। तो आपने वीडियो कैसे देखनी, देखिए यहाँ पर सबसे पहला एक ऑप्शन आ रहा है जावा स्क्रिप्ट, आपको फ्लैश ब्राउज़र जावा में नहीं जाना बल्कि जो ये ऑप्शन है जावा स्क्रिप्ट, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, जैसे ही आपने जावा स्क्रिप्ट पर क्लिक किया तो देखिए आपका जो सीसीटीवी कैमरा था उसका एक्सेस आपके हाथ में आ चुका है यहाँ पर, और आप नीचे जा करके इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। देखिए मैं यहाँ पर अपना हाथ दिखा रहा हूँ आपको, ये उस फ़ोन में है जिसको आपने सीसीटीवी कैमरा बना दिया है, और ये ब्राउज़र ये दूसरा है। तो आपने क्या करना है, इसी आईपी एड्रेस को बस याद रखना है, नोट करके रख लेना है, और किसी भी ब्राउज़र में जा करके आप इस आईपी एड्रेस को डालेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से लेबल भी डाल सकते हैं, किस रिकॉर्डिंग का नाम क्या रखना है आपको, यहाँ पर लेबल डाल के आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका नाम रखा जाएगा। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का टाइम है कि आप कितना टाइम रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ से एक घंटा दो घंटा जितना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक फ़ोटो, अगर आपको कोई फ़ोटो लेना है तो आप टेक फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे तो जिस फ़ोन को आपने सीसीटीवी बनाया हुआ है उसी में आपका एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। और टेक फोकस फ़ोटो, आप जहाँ सीसीटीवी आपका चल रहा है आप अगर फोकस करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो फोकस करने के लिए आप इस वाली सेटिंग का यूज़ करेंगे, टेक फोकस्ड फ़ोटो। ओके, उसके बाद सेव फ़ोटो टू स्टोरेज, अगर आप यहाँ से कोई फ़ोटो लेते हैं तो यहाँ पर फिर आपके पास ऑप्शन आएगा सेव फ़ोटो टू स्टोरेज, आप इसको चिप या मोबाइल की मेमोरी में इसको सेव कर सकते हैं, अगर फोकस किया है तो उस फोकस को भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जूम क्वालिटी का, आप अपने जो सीसीटीवी कैमरे को जूम भी कर सकते हैं, स्ट्रीम क्वालिटी को भी आप बेटर बना सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पर आप ऑटो फोकस होल्ड कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली फोकस करेगा, LED फ्लैश लाइट कर सकते हो, ओवरले, नाइट विज़न, और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपके अपने स्मार्टफोन का कौन सा कैमरा, फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा बनाने के लिए यूज़ करना है। ओके, तो इस टाइम हमने यहाँ पर फ्रंट कैमरा कर रखा है, आपको अगर बैक कैमरा करना, सॉरी हमने अभी बैक कैमरा कर रखा है, अगर आपको फ्रंट कैमरा करना है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाकर के और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन जो इसकी मेन सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी। देखिए हमारा जो मोबाइल था बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन है, आप फ्लैश पर क्लिक करके अपने इस स्मार्टफोन की जिसको आपने सीसीटीवी कैमरा बनाया है उसकी फ्लैश को भी ओपन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम बैक चलते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपका बहुत काम का हो सकता है उन कंडीशंस में जहां आपकी कोई शॉप है, आपको शॉप में अपने जो लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है, या आप उसमें सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं कराना चाहते काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से, तो आपके पास अगर कोई ख़राब इंस्टॉल कोई मतलब बहुत पुराना स्मार्टफोन पड़ा है, या आपको 4-5 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन खरीद के उसका सीसीटीवी बनाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इट भी कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आ सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इसको सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स गाइज़।